VN एप्लीकेशन को हमें किस प्रकार से यूज करना है और अपनी वीडियोस को किस प्रकार से एडिट करना है VN एप्लीकेशन के अंदर, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा, बिल्कुल इजी और बिल्कुल सिंपल। इसलिए वीडियोस को पूरा वॉच करना, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि VN एप्लीकेशन को हमें किस प्रकार से यूज करना है, उसके क्या क्या फीचर है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि VN एप्लीकेशन को हमें किस प्रकार से यूज करना है और किस प्रकार से वीडियोस को एडिट करना है। देखो प्ले स्टोर में आपको VN एप्लीकेशन मिल जाएगा, 152 MB के समथिंग ही होगा VN एप्लीकेशन। तो आपको इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप फर्स्ट बार इसको ओपन करते हैं, तो मैं सिंपली VN एप्लीकेशन को ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे कोई एड आएगी, इस एड को हमें स्किप करना है या फिर अपने आप ये एड स्किप हो जाएगी। यहाँ पे हमें करना है अलाउ। अलाउ करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा VN एप्लीकेशन के अंदर। अब देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है प्लस का, इस पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे करना है गो टू इट और यहाँ पे करना है न्यू प्रोजेक्ट, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी वीडियोज आपकी शो हो जाएगी। यदि आपको वीडियो एडिट करनी है तो यहाँ पे वीडियो जाएगी, यदि आपको फोटो एडिट करनी है तो आपको साइड में ऑप्शन आ रहा है फोटो का, इस पर हम फोटो को भी एडिट कर सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ वीडियोस को पूरा वॉच करना, फिर ही आपको समझ आएगा। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी बताऊंगा, फालतू चीज बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा इस वीडियोस के अंदर। तो जैसे मैं इस वीडियोस को एडिट करता हूँ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरो आता है राइट हैंड साइड में, इस पर हमें क्लिक करना है। ये प्रिपेयरिंग हो रहा है थोड़ा, ये देखो हमारी वीडियोस इसके अंदर आ गई। अब बताऊंगा आपके इसके पूरे फीचर, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझना। अगर आप ध्यान से समझोगे तो बिल्कुल सीख जाओगे, बिल्कुल इजी है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन। जैसे हम फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हम अपने और सारे वीडियोस के फिल्टर को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे C5 का जो फिल्टर है ये सबसे बेस्ट है इसके अंदर, C5, क्योंकि मैं इसको यूज करता हूँ, इस फिल्टर को अपनी वीडियोज में एड करता हूँ। तो इस फिल्टर को मैं ऐड कर लेता हूँ, इसको यहाँ पे मैं सही पर निशान कर देता हूँ। और सेकंड आता है ट्रिम का। देखो हम अपनी वीडियोस को ट्रिम कर सकते हैं, मतलब छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन हो गया ट्रिम का। और थर्ड आता है FX, ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं। FX पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे फिल्टर मिल जाएंगे। ये देखो हम वीडियोस को यहाँ पे लेके आते हैं, ये देखो मतलब हमारी वीडियोस ब्लिंकिंग होगी इतने टाइम में, 1.20 सेकंड में हमारी वीडियोस इस तरह ब्लिंकिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार से हम इन फिल्टर को यूज कर सकते हैं अपनी वीडियोस के अनुसार। तो इसको अभी मैं कट करता हूँ। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है स्प्लिट। जैसे ही मैं स्प्लिट, देखो इस लेयर को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। स्प्लिट का मतलब है हमारी वीडियोज दो हिस्सों में बंट जाएगी, ठीक है, मतलब की जो फालतू का पार्ट है उसको हम काट सकते हैं। अब देखो स्प्लिट कर दिया हमने, तो यहाँ पे आ रहा है प्लस का आइकन, ये देखो ये इस प्लस वाले आइकन, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जूम 1, ये फिल्टर होते हैं, देख तो ये देखो मतलब अरे रुक जा वीडियो, ये देखो जैसे मेरे पर क्लिक करेंगे, मान लो जो वीडियोस का अगला पार्ट होगा तो उस अगले पार्ट के अंदर ये फिल्टर हमारा लग जाएगा और हमारी वीडियोस काफी अच्छी लग जाती है। ये देखो इसकी हम स्पीड भी, मतलब इसकी डायरेक्शन भी हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इससे। अब देखो ये देखो हमारी वीडियोस में क्या इफेक्ट पड़ा है। ये देखो इससे हमारी वीडियो काफी अच्छी हो जाती है। तो इसको हमें यूज करना चाहिए, स्प्लिट वाले ऑप्शन पर जाके ये फिल्टर हमें लगाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है डिलीट का। ये देखो डिलीट मतलब जो भी यहाँ पे जो हमारी वीडियो या फिर फोटो होगी उसको हम डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है स्पीड का। ये देखो हमारी वीडियोस की हम स्पीड को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये हो गया स्पीड का ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे आते हैं वॉल्यूम का ऑप्शन। ये देखो हमारी वीडियोस की जितने भी हम वॉल्यूम रखना चाहते हैं तो उसके अनुसार हम वॉल्यूम को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। इसको अभी मैं करता हूँ 50 पर। उसके बाद यहाँ पे आता है क्रॉप का ऑप्शन। क्रॉप आप जानते होंगे, मतलब हमारी वीडियोस को जितना हम छोटा बड़ा कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। और नीचे आपको देखो फ्रेम नजर आ रहे हैं यूट्यूब की वीडियोस के लिए 16.9, ये फ्रेम होता है यूट्यूब की वीडियो के लिए। जो सेकंड होता है 1.1, ये होता है इंस्टाग्राम के लिए। और 4.5 ये भी होता है इंस्टाग्राम के लिए। और 9.16 ये भी होता है इंस्टाग्राम पोर्ट, जो पोर्ट्रेट में वीडियो चलती है। तो इस प्रकार से हम इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है रूटेट का।
ये देखो हमारी वीडियोस रोटेट हो जाएगी, मतलब चारों साइड से इसको हम वीडियोस अपनी वीडियोस को घुमा सकते हैं। तो अभी मैं इसको मेरी तरफ लेके आता हूँ, यहाँ पे होता है मिरर का ऑप्शन। मिरर का मतलब हमारी वीडियो अगर इस साइड है तो वो इस साइड हो जाएगी, इसका मतलब है मिरर का मतलब। उसके बाद फ्लिप का ऑप्शन है, ये देखो फ्लिप का ऑप्शन मतलब हमारी वीडियो नीचे है तो वो हमारी वीडियो अपने आप ऑटोमेटिक ऊपर हो जाएगी, तो इसको अभी मैं नीचे करता हूँ। ये फील का ऑप्शन है, मतलब कोई भी चीज़ इसके अंदर हम फील कर सकते हैं, मतलब कि अदर वीडियो या फोटो इसके अंदर हम फील कर सकते हैं। उसके बाद है बीजी मतलब बैकग्राउंड, इसका मतलब है बैकग्राउंड, हम हमारी वीडियोस में बैकग्राउंड को लगा सकते हैं अपने वीडियोस के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आता है बॉर्डर, हम हमारी वीडियोस में बॉर्डर को लगा सकते हैं, ये देखो कुछ इस टाइप से। अभी हमारी वीडियोस पूरी फुली फ्रेम के साथ है इसलिए बॉर्डर नहीं लग रहा। उसके बाद आता है जूम का ऑप्शन, हम हमारी वीडियोस में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वीडियो चलेगी उसके जिस प्रकार से हमारी वीडियो चलेगी उस प्रकार से हम जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है एक्सट्रैक्ट ऑडियो, ये हमारे काम करने है। उसके बाद आता है रिवर्स, रिवर्स आपको नाम से क्लियर हो रहा है, मतलब सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मान लो ये फोन मैं नीचे गिरा रहा हूँ तो अगर हम रिवर्स करेंगे तो वही फोन मान लो मैं उठा रहा हूँ, तो इस प्रकार से रिवर्स हम वीडियोस को कर सकते हैं। उसके बाद फ्रीज, ये ऑप्शन हमारे काम करने है। फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड हम किसी को ये वीडियो किसी को भेजें, ठीक है। फॉरवर्ड अब देखो ऊपर आपको ऑप्शन नजर आ रहा है टेप टू एड म्यूजिक, इसका मतलब है हम अपनी वीडियोस में कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लगा के देखते हैं कोई बैकग्राउंड म्यूजिक को, ये देखो मान लो ये वीडियो है, ये सॉन्ग है, इस पे मैंने क्लिक किया, ये देखो हमारा सॉन्ग लग गया है। अब देखो ये सॉन्ग लग गया है, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सॉन्ग की वॉल्यूम ज्यादा है और मेरी वॉल्यूम कम है, तो इसलिए हमें इस सॉन्ग की वॉल्यूम को कम करना होगा, डिक्रीज करना होगा, यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम, इसको हमें कम करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक को लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे ऑप्शन आता है टेप टू एड सबटाइटल, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं अपनी वीडियोज में अंदर, यहाँ पे लिखा है एड ए हेडिंग, इसके अंदर हम देखो कोई भी टेक्स्ट को यहाँ पे फिल कर सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, और इसका कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं और इसको हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपनी वीडियो के अनुसार, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी टेक्स्ट को लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे ऑप्शन आता है टेप टू एड स्टिकर PIP, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब मान लो हमारी वीडियोस है उसके अंदर ही हम किसी और वीडियोस को एड करना चाहते हैं या फिर उसके अंदर ही हम कोई भी फोटो को एड करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है वीडियो फोटो, ठीक है। मान लो इस फोटो को मैं ऐड करना चाहता हूँ मेरी वीडियोस के अंदर, इस फोटो को मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो इस प्रकार से ये फोटो हमारी वीडियो के अंदर ऐड हो जाती है। तो इस प्रकार से हम कोई भी फोटो को अपनी वीडियोस में, कोई फोटो वीडियोस को अपनी वीडियोस में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन आता है मोशन का, इस पर हम क्लिक करते हैं, ये देखो ये फोटो एकदम से आएगी, ठीक है। इसका मतलब है आउट एनिमेशन, मतलब ये जब फोटो जाएगी तो किस प्रकार से उसका एनिमेशन होगा, तो इस प्रकार से हम एनिमेशन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लूप एनिमेशन, मतलब जो भी हमारी फोटो या वीडियोस हम वीडियो में लगाएंगे तो उसके अंदर उसका जो एनिमेशन है वो कुछ इस प्रकार से हमारी फोटो वीडियोस हिलती रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई फोटो वीडियोस को ऐड कर सकते हैं, या फिर इसका डुप्लीकेट हमें बनाना हो, मतलब इसके सेम टाइप की हमें एक और फोटो बनानी हो तो हम इस पर क्लिक कर सकते हैं डुप्लीकेट पर, ये देखो हमारी फोटो एक और डबल, मतलब डबल फोटो हो जाती है, ये देखो डबल फोटो हो जाती है, ठीक है। तो इस अब सेव की बारी आती है, सेव करने पर देखो यहाँ पे लिखा है 1080, इस पर हमें क्लिक करना है और इसको नीचे वाले FPS को हमें 30 रखना है और बिटरेट है उसको हमें रखना है 10, इससे हमारी वीडियो की क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, मतलब कभी भी डिक्रीज नहीं होती। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।